रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। नेपाल में पोखरा से 70 किलोमीटर दूर तनुहान जिले में गोरखपुर की बस UPFT 7623 मारियागढ़ी नदी में गिरी है और बस प्रयागराज से महाराष्ट्र के 42 पर्यटकों को लेकर चित्रकूट होते हुए नेपाल गई थी। चारू नाम के व्यक्ति ने गोरखपुर में तरंग चौक के पास स्थित केसरवानी ट्रेवल के ऑफिस जाकर बस बुक कराई थी। जिला पुलिस कार्यालय तनाहुन के DSP दीप कुमार राया ने पुष्टि की है कि UPFT 7623 नंबर प्लेट वाली बस नदी में गिरी है और नदी के किनारे पड़ी हुई है। सशक्त पुलिस बल नेपाल आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण स्कूल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माधव पोंडेल के नेतृत्व में 45 सशक्त पुलिस बल कर्मियों की एक टीम दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त ने कहा है कि नेपाल की घटना के संबंध में हम यह पता लगाने के लिए संपर्क स्थापित कर रहे हैं कि क्या बस में कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति था या नहीं। इससे पहले इस साल जुलाई में दो बस उफनती त्रिशूल नदी में बह गई थी। दोनों बस में कुल 65 लोग सवार थे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।